कार चलाने वाले लोग अक्सर स्पीड का ध्यान नहीं रखते और ऐसा ही एक हादसा जरा है अमृतसर विखे वापरिया है जिथे कि तेज़ रफ्तार का एक मामला सामने आया है। तो मामला इस तरह का है कि तुम इस वेल जरा कार की तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, यह कार जी है इस वेल बिल्कुल चकना चूर हो चुकी है। और सब तो वड्डी गल तुहानू दसना चाहवांगे कि इस कार के हालात तुसीं देखो कि कार के पड़खच्चे उड़ गए ने, दूसरा कार का टायर तक फट गया है। तो ये इस करके होया है हादसा क्योंकि ये कार जी है तेज़ रफ्तार नाल सी, जिस करके एक हादसे का शिकार हुई है। तो कार इस तरीके नाल है कि कार जी है इस रस्ते थाही जंडियाला राही जी है अमृतसर शहर नू एंटर हो रही सी। तो जो अमृतसर शहर नू एंटर हो रही सी तो रफ्तार उसकी इस तरीके की सी कि उस कार जी है डिवाइडर BRTS नाल टकराती है। तो टकरा तो बाद कार का मूँह जरा ये कार का फेस जरा है तुम वेखो ये उधरले पासे सी, लेकिन अचानक इस तरीके कार अपना नियंत्रण खोती है तो कार का फेस इधर तक हो चुका है। तो हूँ तुम वेखो कि कार जी है इस वेल BRTS की जी ग्रिल सी ग्रिल के उत्ते चढ़ गई है और बकायदा तौर के उत्ते अद्धी गड्डी सड़क के एक इसले पासले है तो अद्धी इस गड्डी सड़क के दूजे पासे है। तो ये सीधे तौर पर किया जाए तो जिस तरीके ड्राइविंग जी है रैश ड्राइविंग की जाती है, लोग ड्राइविंग करने वेले ध्यान नहीं रखते, तो जो ड्राइविंग करने वेले ध्यान नहीं रखते उस वेले इस तरह के हादसे होने जे है सामने आते हैं। तो इस तरह का ही एक मामला सामने आया है, तुम अपनी टीवी स्क्रीन पर वेख सकते हो कि इस वेले शाम का वक्त है। तो बिल्कुल अल्फा वन मॉल के बाहर जिसनों की तुम देखो कि होटल के बिल्कुल बाहर का जरा एरिया है उत्थे जी BRTS की लेन है उत्थे ये हादसा वापरिया है। तो रफ्तार तुम देखो कि कितनी ज़्यादा होएगी कि जिस तरीके नाल कार का हशर किस तरह होया। तो ये कार की बॉडी है तो तुम देखो किस तरीके नाल चकना चूर हुई है। तो एक सॉलिड गड्डी सी जो कि इस वड्डे हादसे का शिकार हुई है। तो पूरे कार का अगर गल करिए बिल्कुल जिस तरीके का वह बोनट है या उन्होंने नंबर प्लेट है या होर जो चीज़ा ने वो बिल्कुल बिखर चुकिया ने। तो पूरी गड्डी जी है इस वेले घटनाग्रस्त हो चुकी है, लेकिन वड्डा सवाल है कि आखिरकार तेज़ रफ्तार क्यों, इस तरीके की अनगहली क्यों, क्यों लोग इस तरीके गड्डियां चलाते हैं जिस करके इस तरह के हादसे होते हैं। तुम देखो कि पुलिस वालों वालों फिलहाल ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कार के हालात कुछ इस तरह ने। और दूसरी गल सिर्फ ये एक चीज़ है, चंगी चीज़ जी सामने आई है कि जरा कार चालक सी उसका बचाव है, उसकी जान बिल्कुल बच गई है क्योंकि कार का फ्रंट जरा है वह बुरी तरह डैमेज होया। और कार का फ्रंट डैमेज होने के नाल जी है कार बहुत ज़्यादा नुकसानी गई है और इसका मुख्य कारण है कि तेज़ रफ्तार कार जी चल रही थी जिस करके वह हादसे का शिकार हुई। लेकिन फिर एक बार तुम्हें असी कार का टायर दिखा रहे हैं। तो सब तो वड्डी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम देखो कि कार का टायर जरा है बिल्कुल फट चुका है और अक्सर जी वड्डियां गड्डियां होंदियां ने उन्होंने कार के टायर में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उन्होंने बैलेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतने ये चीज़ सामने आई है कि कार बुरी तरीके नाल हादसे का शिकार हुई है। तो घटना अमृतसर विखे वापरी है। एक बार फिर असी तुम्हें तो दिखा दें कि एक गड्डी जी है जिसका मूँह इस इधर वाल है, लेकिन असलियत है कि गड्डी अमृतसर में जा रही थी। जरा तुम वड्डा पुल देख रहे हो इधरले पासे इस कार ने जाना सी, तो इधरों कार जाती जाती अचानक जी है ग्रिल नाल टकराती है। तो उस तो बाद एक वड्डे हादसे का शिकार होती है। तो कार दियाँ तस्वीरें तुम दिखाई हैं कि किस तरीके कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और सब तो वड्डी गल है कि इस कार का बोनट तुम देखो कि किस तरीके गड्डी टकराई होएगी क्योंकि BRTS की ग्रिल च वजी है। लेकिन फिलहाल इस मामले के सीधे तौर पर कहिए तो जी ड्राइविंग है जी गलत तरीके लोग ड्राइव करते हैं वो ही जी है इस घटना का कारण बनती हुई नज़र आ रही है। शहर में जा रही थी तो डिवाइडर ने आके टकराई है। अच्छा, तो ड्राइवर से ठीक वा। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि गड्डी तेज रफ्तार से और गड्डी के हालात कुछ इस तरह ने, तुम अपने आप टीवी स्क्रीन से देख सकते हो कि गड्डी का मूंह तक मुड़ गया है। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब TV अमृतसर।